हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है इंटरवर्ल्ड डिजिटल लिमिटेड कंपनी। ये केवल 1.33 पैसे का एक पैनी शेयर है और ये जो कंपनी है ये बिल्कुल ही एक डेट फ्री कंपनी है। देखिए 33 पैसे में कुछ भी नहीं आता, अगर आप इसमें 1000 या 500 रुपया भी लगा देते हैं तो इसकी काफ़ी क्वान्टिटी आपको मिल जाएगी। ये जो कंपनी है इसको 1995 में बनाया गया था और ये जो कंपनी है ये आईटी इनेबल सर्विस प्रोवाइड करती है और डिजिटल सिनेमा सर्विस प्रोवाइड करती है। ये जो कंपनी है जो ख़त्म होने लग रही है सिनेमा, इनको डिजिटलाइज करने लग रही है। इनका मानना कि ये जो सिनेमा है ये रहने ही चाहिए और ये मुंबई में जो सिनेमा है उनकी संख्या बढ़ाने के ऊपर भी ये काफ़ी जोर देने लग रही है और उनको डिजिटलाइज ये करने लग रही है। इसकी जो मार्केट कैप है 15.8 करोड़ की है। इसका जो 92 इकाई है और 67 पैसे है और जो लो है वो 31 पैसे है और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 1.75 रुपया है और इसके ऊपर आप डेट ऑफ इक्विटी देखोगे तो केवल 0.01% की है, यानी कि एक बिल्कुल ही एक नाम मात्र का इसके ऊपर डेट है। और इसकी जो सेल्स है वो सितंबर 2022 के क्वार्टर में इसने केवल 2 लाख की सेल्स की है और दिसंबर 2022 के क्वार्टर में भी इसने केवल 2 लाख की सेल्स की है, जबकि इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो 7-7 लाख के हैं। और अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो भी आपको नेगेटिव मिलेगा, -5 का -5 का -4 का। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो इसके ऊपर केवल 1 करोड़ का कर्जा है और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी है, 36 करोड़ की है वो। और इसकी जो शेयर कैपिटल है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 48 करोड़ की है और इसकी जो टोटल एसेट है वो भी 88 करोड़ की है। तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है और जो टोटल एसेट है वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है 10.92% की इसमें बनी हुई है। और अगर आप इसमें वॉल्यूम देखोगे तो इसकी एक महीने की जो एवरेज है वो बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसका कारण ये है कि जिस भी कंपनी को सेबी रजिस्टर्ड करती है तो उसको एक एनुअल फीस देनी होती है, तो इस कंपनी ने जो एनुअल फीस थी वो नहीं दी थी। अब फाइनली इसने जो अपनी जो फीस है वो पे की है, उसके बाद ही स्टॉक में जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट हुई है। तो इसकी एक महीने की जो एवरेज है इसमें 4000 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो कि पूरी की पूरी जो 4000 की क्वांटिटी है वो डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई है। यस्टरडे को भी इसमें 4000 शेयर की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और पूरी 4000 शेयर की जो क्वांटिटी है वो इसमें डिलीवर क्वांटिटी उठाई गई है। तो देखिए अभी ये 33 पैसे के ऊपर ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हैं वो यही हैं, इसकी जो रिजर्व कैपिटल काफ़ी अच्छी है, इसकी जो एसेट वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी जो शेयर कैपिटल वो भी बहुत ही ज़्यादा है और एक बिल्कुल एक डेट फ्री पेनी स्टॉक है ये। अभी इस स्टॉक में जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। तो देखिए अगर आप इसमें 500 या 1000 रुपया भी लगा देते हैं तो आपको इसमें 4-5 हज़ार शेयर की जो क्वान्टिटी है वो मिल जाएगी। और अगर आप इसमें 1500 रुपया लगा के इसको 2 से 3 सालों तक भी होल्ड करेंगे तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्राइस देखने को मिल सकते हैं और आपका 1500 रुपया भी कई गुना हो सकता है। लेकिन आप इस स्टॉक में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना कि आप होल्ड के लिए तैयार हो, क्योंकि इसकी जो सेल्स है वो नेगेटिव है और जो प्रॉफिट है वो भी इसका नेगेटिव ही है। और दोस्तों किसी भी पेनी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी ज़रूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर किसी भी पेनी स्टॉक में आप पैसा लगाएं। सो दोस्तों ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।